आप चलो चलो नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य धम्मं शरणं गच्छामि। समाज कल्याण सेवा समिति द्वारा आयोजित लावाश्रवों को सा सम्मान 5 दिवसीय कंधा दान का समापन 9 जनवरी को हुआ। अंतिम दिन बौद्ध धर्म समुदाय की महिलाओं द्वारा लावाश्रवों को न सिर्फ कंधा दान दिया गया बल्कि भैरवघाट पहुंचकर उनका अंतिम संस्कार भी उनके द्वारा किया गया। फूल मालाओं से सजी अर्थियां जब महिलाओं के कंधे से पोस्टमार्टम हाउस से बाहर निकली तो देखने वाले लोग अचंभित रह गए। लोग कहने लगे कि यह कौन सा धर्म है जिसमें महिलाएं अर्थियों को कंधा दे रही हैं। बौद्ध धर्म की महिलाओं ने बदल बदल कर अर्थियों को कंधा दिया और अन्य लोगों ने फूलों की वर्षा की। साथ ही मानव तू मुख से बोल, बुद्धम शरणम गच्छामी, धम्मम शरणम गच्छामी, संघम शरणम गच्छामी का उच्चारण भी हो रहा था। जब रोड पर यह नजारा राहगीरों ने देखा तो एक पल के लिए वो थम से गए। समिति के सचिव धनीराम पैंथर ने बताया कि केवल बुद्ध का धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें करुणा, मैत्री, भाईचारा और सबको सम्मान का अधिकार है। इसी के तहत आज बौद्ध समाज की महिलाओं के द्वारा लावारिस शवों को कंधा दान दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। जैसा कि एक लगातार एक अभियान चल रहा था लावारिस लाशों को कंधा दान का और उनके सम्मान अंतिम संस्कार का, उसी के तहत आज ये 5वां दिन है। आज से ये अभियान समाप्ति हो रहा है आज, लेकिन बहुत अद्भुत और रोचक और चकित करने वाला है कि यहाँ पे दृश्य देखने को मिला। बौद्ध समुदाय के द्वारा आज इन लाशों का साथ सम्मान संस्कार किया जा रहा है। 2 लाशों का लावारिस लाशें हैं और महिलाओं ने उन्हें कंधा दान किया हुआ है। तो आज हमारे साथ सीमा संखवार जी हैं, BSP की नेता हैं आप, और अभी विधानसभा चुनाव भी लड़ी, इन्होंने भी कंधा दान किया है और सभी महिलाओं ने आज कंधा दान दिया हुआ है। तो मैम, इस मुहिम को आप किस तरह से देख रही हैं? पहली तो ये शवदान यू इस तरीके से चल रहा है सम्मान इनका, और इसके बाद फिर महिलाएं कंधा दान कर रही हैं। देखिए, इससे तो साफ ये पता चल रहा है कि महिलाएं अगर कंधा दान कर रही तो इसका मतलब जागरूकता है। महिलाएं अगर हर चीज़ में अपना अधिकार और 50% की भागीदारी रखती हैं तो इस अंतिम यात्रा में भी महिलाओं को अपना भागीदारी अवश्य करना चाहिए। और साथ ही एक ये ऐसा नेक काम है जिसमें हर व्यक्ति को बढ़ के आगे आना चाहिए। और ये जो मुहिम हमारे भाई पैंथर साहब चला रहे हैं बहुत ही नेक मुहिम है, और इसी के चलते मैं इनका हर साल सहयोग करने के लिए जरूर आना, बिल्कुल जरूर आते हैं। आपको लगता है कि नहीं, बौद्ध धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दे रहा है? क्योंकि अगर आप हिंदू धर्म की बात कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत ही ऐसे विरले चीज़ें देखने को मिलेंगी जहाँ पर महिलाएँ कंधा नहीं देती। हाँ बिल्कुल, आपने ये बात सही कही है कि बौद्ध धर्म में तो महिला पुरुष का कोई ऐसा वो नहीं है कि महिलाएं ये कार्य नहीं करेंगी या वो कार्य नहीं करेंगी। लेकिन आज ऐसा समय आ गया है कि जैसे संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया उसमें महिलाओं को जो अधिकार मिला, तो आज उस हिसाब से महिलाओं को हर उसमें भागीदारी मिलती है। लेकिन एक ये प्रथा चली आ रही है, और किसी भी धर्म में देखा जाए तो महिलाएं आगे नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि महिलाओं को करना ही नहीं है। जब महिलाएं चांद सूरज पे पहुंच चुकी हैं तो फिर ये कार्य तो धरती पे है, इसके लिए तो महिलाओं को पूरी तरह आना चाहिए। और रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो है वो महिला पुरुष सभी को सामान्यता बराबरी का अधिकार देता है, और किसी भी समाज में महिलाओं के लिए बंदिश नहीं है। लेकिन महिलाएं इस चीज़ में आगे नहीं आ रही हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं ये कह रहा, एक बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो कि आज हम सबको अंतिम संस्कार करने के लिए उस जगह स्थान तक पहुंचते हैं। नहीं किसी जगह पे नहीं, महिलाएं नहीं जाती हैं, इसमें नहीं महिलाएं जाती थे, भले ही उनका बेटा ना हो, बेटियां ही हो, उनको नहीं जाने देते। लेकिन बुद्ध धर्म एक ऐसा है कि वो इसमें अंतिम संस्कार के समय पे महिलाओं को वहाँ पे पहुँचा देते हैं, जाने की अनुमति देते हैं। मैम आप ठीक है, अभी ले लेते हैं।
आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की मुहिम जो कानपुर में हो रही है 5-5 दिन तक और विभिन्न धर्म समुदाय के लोगों से, ये मुहिम लगभग पूरे देश में लगभग होनी चाहिए जैसा कि? बिल्कुल होनी चाहिए पूरे देश में। ये एक बौद्ध धर्म से जो हो रहा है संस्कार, ये एक सबसे बड़ी मानवता वाली बात है, क्योंकि ये मानवता के अंतर्गत है कि लावारिस लाशों को हम लोग कंधा दान दे रहे हैं और महिलाओं को एक बराबरी का इसमें मतलब हिस्सा मिल रहा है कि पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। ये बुद्ध धर्म ही दर्शाता है। कितनी दूर से आप लोग इन लाशों को अपने कंधों पे लेके आई हुई हैं, तो ठीक है। तो इधर और भी महिलाओं का है, तो इस प्रोग्राम को महिला सशक्तिकरण का भी प्रोग्राम कहा जाए तो कोई बुराई नहीं है, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि सभी महिलाओं को आगे बढ़ के इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। जो पैंथर जी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि महिलाएं कंधा नहीं दे सकती, मगर मैं ये कहती हूँ क्यों नहीं दे सकती। जब हाँ काफ़ी दूर से जब औरत बच्चा पैदा कर सकती है, सारे काम कर सकती है, तो कंधा भी दे सकती है। और हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ के इसमें सहयोग करना चाहिए, पैसे से हर चीज़ से। तो यहाँ पे भैया ठीक है, आप ये आज महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम कह सकते हैं, ये सम्मान लाशों का सम्मान नहीं है, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का भी सम्मान नहीं, महिलाओं का इसलिए है कि बहुत धर्म ये मानता है कि जो पैदा कर सकता है वो कंधा भी दे सकता है, ये वैज्ञानिक धर्म है। और वैज्ञानिक धर्म जो है इस बात को जो है बराबर, हमने आज से 2009 से हमारी महिलाएं जो हैं इसमें कंधा दे रही हैं, महिलाएं 2009 से लगातार महिलाएं कंधा देती हैं। और इसमें एक और बड़ी बात है कि हमारी जो महिलाएं इधर डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, मतलब पॉलिटिशियन नहीं है, सामाजिक ज़्यादा है, मतलब और उन्होंने जो है सब करोड़पति लोग भी हैं जो इसमें कंधा दे रहे हैं। अब एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि साल में एक बार प्रोग्राम हो रहा है, क्या ऐसी शवों को, ऐसे लावारिस लाशों को सम्मान के लिए ये प्रोग्राम आगे सालों में गिनती बढ़ सकती है क्या एक के अलावा? नहीं, एक अभी 15 मार्च को सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी, 20 तारीख को जो कानपुर देहात में भी ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा। तो अभी एक दिन कोई दिन भी हो सकता है, उसमें हम लोग वहाँ पर भी एक दिन कंधा देंगे। दूसरा, हम डेली कार्यक्रम करते हैं, मीडिया को नहीं बुलाते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों को नहीं बुलाते हैं, कार्यक्रम तो हमारा 2 लाशों से लेकर 10 लाशें तक डेली हम अंतिम संस्कार कराते हैं, डेली कराते हैं। आपको प्रशस्ति पत्र भी मिला हुआ है? हमें इसी कार्य के, हमें जो है समाज के लोग कफन का कपड़ा देते हैं, चादर देते हैं, पन्नी देते हैं, बांस देते हैं और पैसा देते हैं, जिसकी वजह से हम ये मुहिम चलती रहती है। आपको बहुत बहुत साधुवाद ऐसा कर, धन्यवाद आपको। तो ये 5 दिनों का ये कन्यादान आप जिससे इस तरह से देखेगा, यहाँ पर भी महिलाओं की आप भागीदारी देखिएगा। कौन कहता है कि महिलाएं कमज़ोर हैं? कोई महिला कमज़ोर नहीं है। आप इस मुहिम को देखिए, ये देखिए किस तरीके से महिलाओं ने, तो आज अमूमन क्या था कि यहीं तक रहा जाता था, लेकिन आज का जो ये प्रोग्राम है, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये भैरव घाट तक जाएगी, तो ये प्रक्रिया भैरव घाट तक ही जाएगी। आप देख सकते हैं महिलाओं का साहस देखिए, और बौद्ध धर्म में जो समानता का भाव है आप उसको देखिए किस तरीके से। कौन कहता है कि इस देश की महिलाएं कमज़ोर हैं? आप शकील खलीफा जी, आप इस मुहिम में किस तरीके से शामिल हैं? अब मैं देख रहा हूँ आप लगातार आए हुए हैं जी। मैंने हमारे इनसे ताल्लुकात इसी सामाजिक संस्था है, ये भी जो समाज के लिए काम करती है और अच्छा काम करती है, तो हमारे इनके पेंटर साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात है, उसमें हमारे दोस्त हैं सफीक भाई, इनके साथ में हैं हम सब लोग, ये सब कार्यक्रम को अंतिम संस्कार तक पहुँचाते हैं जी। मुहिम बहुत अच्छी है, जब मुहिम अच्छी है तब के पेंटर साहब भी अच्छे हैं और अच्छे लोग जुड़े हैं, तो एक इंसानियत, यही इंसानियत का काम करते हैं, मज़हब कोई भी हो मगर इंसानियत वाला काम ये सबसे बड़ा काम है, और इंसानियत होना हर दिल में ज़रूरी है।
इस पूरी मुहिम को आज समाप्त किया जा रहा है। 5 दिन चली है मुहिम, ये पहले हिंदू धर्म के समुदाय को लगा और इसके बाद फिर ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर सिख और आज बौद्धों के माध्यम से लावारिस लाशों को सम्मान दिलाने का कार्य किया गया है। वही नहीं रुकना है, अभी और ही बात करते हैं लोगों से, क्योंकि समाज से भी बहुत लोग, आप तो बैंक में कार्यरत हो, इसके बाद छुट्टी लेके इस कार्य के लिए आप आए हुए हैं, बौद्ध धर्म के कार्य के लिए आए हैं, महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए आए। ये नारी सशक्तिकरण का अभियान नहीं एक तरह से लगा? सा सम्मान तो लाशों का तो सम्मान है सर, लेकिन वाकई इस तरह की प्रथा जल्दी देखने को नहीं मिली। एक्चुअली हिंदुस्तान हमारा जो है पुरुष प्रधान देश रहा है और आज के परिवेश में जो महिलाओं को आगे आना चाहिए। और ये आप जो महिलाएं देख रहे हैं जो आज का कार्यक्रम है बौद्ध धर्म की तरफ से, और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया है, और हम चाहते हैं कि और भी महिलाएं हैं जो क्या कहते हैं किसी भी धर्म जात की हों, महिलाओं को आगे आना चाहिए, जिससे कि मतलब समाज में नया संदेश जाना चाहिए कि महिलाएँ भी नारी सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रही हैं। मुहिम से लगा महिलाएँ भी पुरुषों से कम नहीं हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक लेके आना, इसके बाद इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होना अद्भुत नज़ारा था। क्या कहना है? देखिए, भारतीय संविधान जब से बाबा साहब ने हमको दिया, भारतीय संविधान के लागू होने के बाद से महिला और पुरुष का कोई अंतर खत्म कर दिया उन्होंने। भारतीय संविधान के लागू होने के पहले जरूर नारियों को दोयम दर्जे का दर्जा प्रदान था, उनको किसी तरह के कार्यों में भाग, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे संपत्ति रखने का अधिकार हो, चाहे किसी तरह का भी हो, उनसे पुरुषों से हमेशा नीचे समझा गया। लेकिन धन हमारे बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब के कारण इन महिलाओं को स्थान मिला। आज महिलाएँ टीचर से लेकर हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं और हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। जिन स्थानों पर इनका प्रवेश निषेध था, वहाँ पर महिलाएं बहुतायत से उसमें आगे बढ़ रही हैं। ये हमारे नए भारत का उदय हो रहा है और ये बाबा साहब का भारत बन रहा है, बाबा साहब का भारत बन रहा है। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं भैया? बाबा साहब का भारत निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में एक सबको समानता, करुणा मैत्री, भाईचारा, जो बौद्ध धर्म हमें यही सिखाता है। इसीलिए आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज जो यहाँ पर दलित समुदाय है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला है, हम सब अपने आप को बौद्ध मानते हैं। आज इसीलिए अंतिम दिन बौद्ध समुदाय के द्वारा, खास तौर से महिलाओं के द्वारा यहाँ पर कंधा दान दिया गया, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध धर्म में सबको बराबरी का अधिकार है, सबको एक समानता है। निश्चित रूप से हम आज कह सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जो संविधान है, आज भारत बौद्धमय की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो आप देखें कि कितना उत्साह है, और अमूमन ऐसी लाशों जिनको कोई भी सम्मान नहीं देता है, पता नहीं कैसे जाते और प्रशासन उनको ऐसे ही जला देता है, उनको आज बौद्ध धर्म के माध्यम से महिलाओं से के द्वारा कंधा दे के ये सम्मान दिया गया है। और ये कार एक ऐसा कार है जिससे मानवता, पूरी मानव जाति और मानवता सुरक्षित होती है। और हम सब लोग धनीराम पैंथर जी का इसी तरह बढ़ चढ़ कर तन मन धन से हमेशा सहयोग करें, इनकी मुहिम में इनका साथ दें। जय भीम, नमो भगवान। आज लावारिस लाशों का जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे समाज कल्याण सेवा समिति के द्वारा हो रहा है, ये बहुत ही पुनीत का काम है। और जो लावारिस हैं उनको बारिश होना बड़ा सौभाग्य की बात है, और हम इस कड़ी में हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है 2009 से, अब तक लगभग 14,500 लाशों का हो चुका है, और ये कारवां आगे भी चलता रहेगा आप लोगों के सहयोग से। और मेहता साहब का एक पूरी विशाल है हमारे कानपुर में, और हम चाहते हैं कि कानपुर में रहते हुए भी और
शहरों में भी ये कार्यक्रम चलता रहे और चाहते हैं पूरे प्रदेश में चले। और पंतर साहब तो वैसे भी आगे बहुत काम करते रहते हैं, शादियाँ कराते हैं गरीब लोगों की और बच्चों के पढ़ाने के लिए भी थोड़ा आगे कार्यक्रम करते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब पूरा सहयोग करिए पंतर साहब को, जिससे ये कारवा आगे भी चलता रहे। धन्यवाद। के अंतर्गत आई हुई उपासक उपासिकाएं और जो बहुत ही आवश्यक कार्य कर रहे हैं हमारे संत वेंदर जी, जिसको नाम नहीं मिलता उसको नाम दे करके उसका अंतिम संस्कार करते हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत चलता है, हमेशा चलता है, हमारे समाज का हमारे लोगों का हमेशा सहयोग रहता है और आगे भी रहेगा, इसी में करना चाहता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे यहाँ पे भाई हमारे हैं, उनको बहने हैं, सभी संस्था सभी, मैं कहूँगी कि भाई कैंकर जी बहुत अच्छा काम करते हैं और हम लोगों को भी मौका देते हैं कि हम भी कंदादान के साथ में हम भी भागीदार बन जाते हैं कंदादान करके, और जो बारिश पड़ी हुई ना Sarah, I'm the one who's got me.
पैसे बना रहे हो, हमें चैनल के हिसाब से लगाना है। अरे भाई लावारिस ना सोच रहा है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहें कभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।